आपका? मुकेश यादव। कहाँ से चुनाव लड़ रहा है? ग्राम जीवरा से। तो क्या मतलब यहाँ की समस्याएं हैं, पानी आने की और भी कुछ रोड रोड की समस्याएं हैं, तो उनको आप कैसे देखते हैं? क्या है, यहाँ भी कोई सुविधा नहीं, सड़क की भी दिक्कत ज़्यादा है, पानी की भी ज़्यादा दिक्कत है। लोग बाग यहाँ से गांव से दूर पानी भरने जाती हैं। हमारा मकसद यही है, अगर जनता को हमारा रुझाव रहेगा, जनता हमारे लिए चुनेगी, तो हम पानी के लिए और बिजली के लिए और अस्पताल के लिए सारी समस्या समाधान करने के लिए आप लोगों की मदद से सारा काम करेंगे। और यहाँ तक कि बहुत से गरीब लोग हैं इस गांव में, उनको आज तक एक कोई आवास नहीं मिला। तो हमारी ये लक्ष्य रहेगा कि गांव के लोगों को आवास मिले, गरीब लोगों को राशन मिले और बिजली सड़क की सुविधा मिले। अगर अगर आप जीते, सबसे पहले ऐसा कौन सा कार्य होगा जो आप करेंगे? सबसे पहले ये कार्य होगा कि यहाँ से सड़क खुली पड़ी है, ये सड़क सही करवाएंगे, गांव को पानी की सुविधा करेंगे और आवास की सुविधा करेंगे। और जैसे गांव में शिक्षा की बहुत समस्या है, लोग अशिक्षित रहते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं, दूर तक पढ़ने जाना पड़ता है शहर के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कोई कॉलेज के लिए सरकार से निवेदन करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि यहाँ गाँव के लिए शिक्षा के लिए कोई ऐसा कॉलेज बनवाया जाए जिससे गांव के गांव में शिक्षा प्राप्त करें। और चिकित्सा का भी बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, किसी की इमरजेंसी अगर केस आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो उसे शहर भागना पड़ता है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, तो इसकी भी भारी दिक्कत है। तो सरकार से निवेदन करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि यहाँ कोई चिकित्सा बने जिससे गाँव में जानवर की भी ज़्यादा दिक्कत है, जानवर को भी अस्पताल, पशु अस्पताल बने और जहाँ तक यहाँ चिकित्सालय बने। अभी हम आते हुए देख रहे थे कि लोग जो गांव की औरतें हैं वो दूर दूर तक पानी भरने जाती हैं जी, पानी की बहुत समस्या है। उसको कैसे दूर करेंगे आप? यहाँ अगर जनता ने हमको चुना, जनता का प्रति हमारे ऊपर रुझाव रहा, तो हम यहाँ पानी टंकी की व्यवस्था करेंगे और घर में पानी की व्यवस्था करेंगे। वैसे तो केंद्र सरकार से अगर पानी की सुविधा होती है तो डल रही है डल, तो उससे हो जाएगा, नहीं तो सरकार से अपने उससे हम करवाएंगे। पूर्व में प्रधान रहे, उन्होंने नहीं करा क्या, इसके ध्यान नहीं दिया क्या विकास पे? नहीं, उन्होंने कोई ऐसा पानी की उसमें ध्यान नहीं दिया, ना कोई किया। आप अपनी बातों पे कितना खरा उतरेंगे जनता के बीच? हम जनता के लिए इतना उतरेंगे कि पहले तो पानी की समस्या खत्म करेंगे, फिर ये सड़क की समस्या खत्म करेंगे, और जहाँ तक बिजली की भी यहाँ समस्या खराब है तो बिजली की भी समस्या करेंगे। हम सरकार से कर्मठ निवेदन करेंगे हमारे यहाँ सारी समस्या दूर करें। और सब गांव के वासियों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? गांव वासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे लिए उस लक्ष्य मकाम तक पहुँचाएँ कि हम उनकी समस्या दूर कर सकें।